मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज यूक्रेन में फंसे छात्रों के परिजनों से मुलाकात की। इस दौरान सीएम धामी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए छात्रों से बात भी की और परिवार को आश्वस्त किया कि सभी फंसे छात्रों की जल्द ही सकुशल भारत वापसी होगी। वहीं परिवार के लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद भी जताया। और इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता दीपक फुलेरा हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपक, क्या कुछ जानकारी मिल रही है इस वक्त, उत्तराखंड में कितने छात्र और उत्तराखंड के यूक्रेन में फंसे हुए हैं? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, जो यूक्रेन के वर्तमान हालात हैं, रूस के संग जो युद्ध के हालात वहां चल रहे हैं, उसमें कई मेडिकल छात्र उत्तराखंड के फंसे थे। बात अगर कटिमा की जाए तो चार छात्र यहां पर जो प्रशासन द्वारा आइडेंटिफाई किए गए थे कि चार छात्र और एक छात्रा यूक्रेन में वर्तमान फंसे थे, जिनमें से एक छात्र कल ही वहां पहुंच गए हैं अपने घर खटीमा में। और अभी जो मुख्यमंत्री खटीमा के दौरे पर पहुंचे हैं, उन्होंने जो दो अन्य छात्र ऋषभ लोहिया व अंकुर वर्मा के घर में पहुंचकर उनके परिजनों से मुलाकात की है। उनके परिजनों को आश्वस्त किया है कि भारत सरकार लगातार प्रयास कर रही है और उनके बच्चों को जल्द से जल्द भारत एयरलिफ्ट करके लाया जाएगा। और उनके परिजनों को आश्वस्त करते हुए उन्होंने खुद ऋषभ लोहिया, जो कि छात्र मेडिकल के छात्र यूक्रेन में वर्तमान में है, उससे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात करी है, वहां के हालातों के बारे में जाना है। साथ ही उन्हें भी आश्वस्त किया है कि उनको जल्द ही भारत सरकार हंगरी जो कि बॉर्डर में वो पहुंचे वहां से एयरलिफ्ट किया जाएगा। बिल्कुल। और दीपक, अगर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे बात हुई है उस छात्र द्वारा क्या कुछ बताया गया है, क्या स्थिति इस वक्त है वहां पर छात्रों को लेकर के, और कितने भारतीय छात्र वहां पर हैं इस वक्त? जी बिल्कुल, जिन ऋषभ लोहिया से उनकी बात हुई है, उन्होंने बताया है कि वास्तव पैनिक स्थिति तो वहां पर है, क्योंकि कई करीब 20,000 छात्र वहां पर थे, लेकिन हालांकि अब 3-4 दिन से दौर शुरू हो चुका है, छात्रों को लगातार भारत सरकार द्वारा भारत में लाया जा रहा है। लेकिन उन्होंने खुद के बारे में जो स्थिति बताई है कि वो हंगरी बॉर्डर में वर्तमान में पहुंच चुके हैं और हंगरी बॉर्डर से जो कि वहां के दूतावास है उनसे संपर्क, उनके अधिकारियों से लगातार संपर्क है और हंगरी बॉर्डर के माध्यम से ही उनको भारत लाने के प्रयास किए जा रहे हैं। उसके अलावा सीएम ने भी उन्हें आश्वस्त किया कि वहां के जो रीजनल अधिकारी हैं वो उनको पूरा सपोर्ट वहां पर करेंगे और जल्दी उनको भारत लाया जाएगा। इसके अलावा उनके परिजनों से बात करते हुए सीएम ने उन्हें भी आश्वस्त किया कि वो बिल्कुल भी अपने बच्चों को लेकर चिंतित ना हो, भारत सरकार पूरी जिम्मेदारी के साथ उन बच्चों को जल्द से जल्द भारत लाने का काम करेगी। दीपक, आपकी कुछ बात हो पाई हो उन छात्रों के परिजनों से, परिवार वालों से, क्या स्थिति उनकी इस वक्त है? जी बिल्कुल, जो ऋषभ लोहिया हैं उनकी माताजी मोहिनी लोहिया से हमारी बात हुई है। उनका कहना है कि लगातार वो 4-5 दिन से पैनिक स्थिति में थे, क्योंकि लगातार बच्चे का, हालांकि वो संपर्क में थे लेकिन जो स्थितियां वहां पर थी, कभी उनको बंकर में जाना पड़ता था, जैसे ही सारण बसता था नीचे बंकर में उनको छुपना पड़ता था, तो वो काफी स्थिति थी। खाने की भी स्थिति वहां पर प्रॉब्लम हो गई थी क्योंकि वहां पर कर्फ्यू वर्तमान में चल रहा था। तो सारी स्थितियों को बताते हुए उन्होंने कहा कि काफी वो लोग दुखद स्थिति में वहां पर थे अपने बच्चों की चिंता को लेकर, लेकिन वर्तमान में उनकी जो बात हुई है कि उनका जो बच्चा है वो हंगरी बॉर्डर पर पहुंच चुका है, उन्होंने बताया कि अभी वो सुरक्षित हैं और जल्दी उनको भारत लाने की तैयारियां की जा रही हैं। दीपक, उत्तराखंड सरकार की तरफ से अगर इस वक्त बात किया जाए, क्या कुछ और वो ऐतिहासिक कदम है जो उठाए जा रहे हैं छात्रों को वापस लाने के लिए, परिजनों को ये आश्वस्त करने के लिए कि उनके जो बच्चे हैं वो सुरक्षित है, क्या कुछ वो अहम कदम उठाए जा रहे हैं उनके द्वारा? जी बिल्कुल, उत्तराखंड सरकार की बात की जाए तो जो यूक्रेन के जब हालात उपजे थे 4-5 दिन पहले ही उत्तराखंड सरकार ने एडवाइजरी जारी कर दी थी सभी जिलाधिकारियों को, अपने अपने इलाकों में जो भी छात्र इस समय वर्तमान में यूक्रेन है उनको आइडेंटिफाई कर उनकी पूरी समरी बनाकर शासन को देने की बात की थी, ताकि वो लिस्ट भारत सरकार तक पहुंच सके और उन छात्रों तक भारत सरकार जो दूतावास है, जो विदेश मंत्रालय के अधिकारी है वो पहुंच सके, उनसे संपर्क कर सके और उनको ला सके। तो इस मामले में भी कई अधिकारी जो लिस्ट गई थी, उस लिस्ट के आधार पर भी कई छात्र उत्तराखंड के हैं जो वापसी कर चुके हैं और अन्य छात्रों को भी लाने के प्रयास उत्तराखंड सरकार के द्वारा जो कोऑर्डिनेशन विदेश मंत्रालय के द्वारा किया जा रहा है, उनको जल्द से जल्द भारत लाने के प्रयास उत्तराखंड सरकार और भारत सरकार मिलकर कर रही है। चलिए, आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो हमारे संवाददाता खटीमा से जुड़े थे, जिन्होंने बताया किस तरह की स्थिति उत्तराखंड में है और उत्तराखंड सरकार हो या फिर भारत सरकार हो, हर कोई यही कवायद कर रहा है कि जल्द से जल्द बच्चों को भारत वापस लाया जाए। सबका प्रयास है कि जल्दी से जल्दी हमारे सभी बच्चे सकुशल वापस आ जाए, उसके लिए हम लगातार विदेश मंत्रालय के और भारत सरकार के संपर्क में हैं। हमारा दिल्ली का स्थानीय आयुक्त कार्यालय भी काम कर रहा है, हमारे नोडल अधिकारी भी काम कर रहे हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वयं वहाँ पर सभी मंत्रियों की अभी अलग अलग ड्यूटियाँ मतलब निर्धारित की हैं, सभी के दायित्व निर्धारित किए हैं, जो वहाँ से जाकर सब बच्चों को लाने का काम कर रहे हैं। और हमारे इस क्षेत्र के पूरे उत्तराखंड के भी जितने भी बच्चे वहाँ पर हैं,
हम लगातार कोशिश में हैं कि जल्दी से जल्दी वो सीमावर्ती जो उनके आसपास के जो अन्य देशों के जो बॉर्डर पड़ते हैं उन बॉर्डरों पर आ जाएं और वहां से उनकी व्यवस्थाएं लिपटी। वहीं इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, जहां केदारनाथ के कपाट खुलने की तिथि घोषित हो गई है। 6 मई को खुलेंगे केदार के कपाट। महाशिवरात्रि के पर्व पर घोषित हुई तिथि, सुबह 6:25 खुलेंगे केदारनाथ के कपाट। 1 मई को ओमकारेश्वर मंदिर में भैरव पूजा होगी संपन्न। तो बड़ी खबर इस वक्त की आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर 6 मई को केदारनाथ के कपाट खोलने की तिथि घोषित हो गई है। केदारनाथ के कपाट महाशिवरात्रि के पर्व पर ये कब खुलेंगे वो तिथि घोषित की गई, जहां सुबह 6 बजे ये केदारनाथ के जो कपाट है वो खोले जाएंगे। 1 मई को ओमकारेश्वर मंदिर में भैरव पूजा संपन्न होगी। उसके बाद 6 मई को महाशिवरात्रि के दिन जो तिथि तय हुई है कि 6 मई को केदारनाथ के जो कपाट हैं वो खोले जाएंगे। साथ ही साथ ये भी आश्वस्त करवाया गया है कि तमाम कोविड गाइडलाइंस की, यहां पर जितनी भी कोविड गाइडलाइंस हैं उन सभी का अनुपालन करते हुए ही केदारनाथ के कपाट खोले जाएंगे, या फिर जो भी दर्शक यहां पहुंचेंगे, जो भी श्रद्धालु पहुंचेंगे केदारनाथ, वो सभी जो हैं कोविड गाइडलाइंस का पालन करते हुए ही नजर आएंगे। और इसी के साथ 6 मई को केदारनाथ के कपाट खोले जाएंगे, महाशिवरात्रि के दिन ये तिथि तय हुई है। तो केदारनाथ के कपाट बंद होने के बाद से ही श्रद्धालु जो हैं और तमाम भारतवासी यही उम्मीद करते हैं कि कब केदारनाथ के कपाट दोबारा खुलेंगे। वो तिथि अब सामने आ गई है कि 6 मई को केदारनाथ के कपाट खोले जाएंगे, और ये तिथि जो है वो महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर घोषित हुई है। सुबह 6:25 पर आपको बता दें कि केदारनाथ के कपाट खोले जाएंगे। वहीं 1 मई को ओमकारेश्वर मंदिर में भैरव पूजा होगी, फिर डोली निकलेगी, और उसके बाद केदारनाथ के कपाट 6 मई को खोले जाएंगे। और ये जो तारीख है, ये जो तिथि जो घोषित की गई है, लंबे समय से सभी को इंतजार था कि कब ये तिथि घोषित की जाएगी कि केदारनाथ के कपाट कब खोले जाए, और अब वो दिन आ गया है जब केदारनाथ के कपाट खोलने की जो एक तिथि थी वो घोषित हो गई है 6 मई। और इसी के साथ आपको समय की अगर बात की जाए तो सुबह 6:25 पर बताया जा रहा है कि ये तिथि घोषित की गई है। वहीं 1 मई को ओमकारेश्वर मंदिर में भैरव पूजा संपन्न होगी, फिर डोली आएगी, और इसके बाद केदारनाथ के कपाट खोल दिए जाएंगे। भारी बर्फबारी की वजह से एक समय सीमा पर केदारनाथ के कपाट बंद कर दिए जाते हैं, और उससे पहले हमने देखा किस तरीके से कोविड की वजह से, कोविड गाइडलाइंस की वजह से हमने देखा था, और महामारी बढ़ने की वजह से केदारनाथ के धाम के कपाट बंद भी किए गए थे। उसके पर्यटक को भी ज़्यादा से ज़्यादा और व्यापारी वर्ग को भी बहुत नुकसान हुआ था, लेकिन एक बार फिर से अब केदारनाथ के कपाट जो हैं वो खोले जा रहे हैं, जिसको लेकर के हर किसी के चेहरे पर ये खुशी देखी जा सकती है। और इसी विषय पर तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता ज्ञानेंद्र तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। ज्ञानेंद्र, किस तरह की इस वक्त लहर देखी जा रही है, किस तरह की खुशी सभी के मन में देखी जा रही है इस वक्त? बिल्कुल, जिस तरीके से बाबा केदार के कपाट खोलने की तिथि का जो ऐलान है आज कर दिया गया है, इस दौरान जो बद्री केदार समिति के जो पदाधिकारी हैं, पंडा समाज है, हकूदारी हैं, इस दौरान वो मौजूद रहे, और 6 मई को सुबह 6:25 पे बाबा केदारनाथ के जो कपाट हैं वो खोले जाएंगे। खासतौर पे जो तैयारियां हैं वो अब बद्री केदार समिति की तरफ से की जानी है, और ऐसे में हमने देखा कि पिछले दिनों जिस तरीके से बद्रीनाथ के कपाट खोलने की तारीखों का ऐलान किया गया, 8 मई को बद्रीनाथ के कपाट खुलेंगे, और 6 मई को अब जो है केदारनाथ के कपाट खोलने की तारीखों का ऐलान हो चुका है। अक्षय तृतीया के दिन इसके अलावा यमुनोत्री और गंगोत्री के कपाट खोलने की तिथि का ऐलान किया जाएगा, और ऐसे में हमने देखा है कि किस तरीके से, जिस तरीके से देवस्थानम भंग होने के बाद बद्री केदार समिति की तरफ से पूरी जो तैयारी है वो चार धाम की को लेके की जा रही है, आज तारीखों का ऐलान किया गया है। हालांकि अभी भी केदार धाम में जो बर्फ के चादर हैं वो गिरे पड़े हैं, जिसको कहीं ना कहीं हटाने का काम बद्री इसी के साथ अगर यहाँ पर बात किया जाए ज्ञानेंद्र की, किस तरीके से वक्त है ज्ञानेंद्र, यहाँ पर तिथि किस तरीके से तय की जाती है, क्या कुछ मायने वहाँ रख मापदंड देखे जाते हैं, उसके बाद तिथि तय की जाती है, और किसके द्वारा की जाती है? देखिए, जो चारों धामों की तिथि की घोषणा होती है, एक हर वर्ष जो है केदारनाथ की जो तिथि है वो महाशिवरात्रि के दिन घोषित की जाती है, और इस दौरान जो है जो हकूदारी हैं, पंडा समाज है, तीर्थ पुरोहित हैं वो, और जो बद्री केदार समिति के जो पदाधिकारी होते हैं इस दौरान वो मौजूद होते हैं,
और इस दिन ही केदारनाथ के जो कपाट खोलने की जो तिथि का ऐलान किया जाता है, और ऐसे में इस वर्ष भी इसी प्रकार से आज जो इस तिथि का ऐलान किया गया है, ख़ासतौर पर अगर हम देखें तो बद्री केदार समिति की तरफ के जो पदाधिकारी इस दौरान मौजूद थे, पंडा समाज जो मौजूद था, और ये लगन अनुसार जो तिथि का कहीं ना कहीं निर्धारण किया गया है और वो 6 मई की तिथि है। 6 मई को सुबह 6:25 पे बाबा केदार के कपाट खोले जाएंगे, और ऐसे में इसके पहले जो तैयारियां हैं उसे पूरा करने की को लेके जो कहीं ना कहीं अब समिति की तरफ से इसे गति दी जाएगी और तैयारियों को पूर्ण किया जाएगा। खासतौर पर अगर हम देखें सीमा, तो पिछले 2 वर्षों से कोविड की वजह से चारधाम यात्रा उत्तराखंड के अंदर प्रभावित रहा है, और इस बार पूरी जोर है, सरकार की भी जोर रहेगी और कहीं ना कहीं मंदिर जो समिति है, मंदिर समिति उसकी तरफ से भी पूरी कोशिश की जा रही है कि जो 2 सालों से जो नुकसान रहा है पर्यटन का, उसे कहीं ना कहीं इस चारधाम यात्रा को बेहतर तरीके से संचालित किया जाए। लेकिन अगर हम देखें तो अभी वक्त है और कोविड जो प्रोटोकॉल होंगे उसके भी कहीं ना कहीं गाइडलाइन सरकार की तरफ से जारी किए जाएंगे, राज्य सरकार की तरफ से, और देखा जा सकता है कि देखिए कोविड गाइडलाइंस का भी पालन करने की बात यहां पर जिस तरीके से कही जा रही थी, और आपने ये भी बताया कि इस तरीके से सभी मापदंडों पर ये तिथि तय की गई है। आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। चलिए और इसी बीच रुक करते हैं अगली खबर की ओर, जहां महाशिवरात्रि का पावन पर्व आज शिवालय में बम बम भोले की गूंज जलाभिषेक करने के लिए लगी लाइनों के साथ मनाई जा रही है। वहीं तड़के सुबह से ही भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। आज महाशिवरात्रि की देश भर में धूम देखी जा रही है। सुबह से ही शिव भक्तों का मंदिरों में तांता लगा हुआ है। हम आपको कुछ तस्वीरें दिखाएंगे जहां सुबह से ही भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है, और साथ ही साथ देखिए महाशिवरात्रि की पूजा की जो विधि है वो भी आपकी टीवी स्क्रीन पर GFX के जरिए आपको बता रहे हैं। जहां महाशिवरात्रि की विधि विधान से विशेष पूजा रात्रि काल में होती है, हालांकि भक्त चारों प्रहर में ही अपनी सुविधा अनुसार ये पूजा कर सकते हैं। साथ ही महाशिवरात्रि के दिन रात्रि जागरण का भी एक विधान है, और इस दिन मिट्टी के पात्र या तांबे के लोटे में जल मिश्री कच्चा दूध डाल करके शिवलिंग पर चढ़ाना चाहिए। इसके बाद शिवलिंग पर बेलपत्र और फूल चढ़ा करके और चावल इत्यादि चढ़ा करके भी आप पूजा कर सकते हैं। इस दिन महामृत्युंजय मंत्र का जाप भी करना चाहिए, या फिर ओम नमः शिवाय का जो जाप है वो भी करना चाहिए। साथ ही साथ आपकी टीवी स्क्रीन पर हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं किस तरीके से पूजा की जो विधि होती है, किस वक्त आप पूजा कर सकते हैं, किस वक्त पूजा नहीं कर सकते हैं, इसके साथ साथ क्या कुछ भगवान शिव पर अर्पित करना चाहिए। जलाभिषेक करते वक्त भी कच्चे दूध का इस्तेमाल करें या फिर बेलपत्र और फूल और चावल अर्पित करके भी आप शिवरात्रि में पूजा कर सकते हैं। और ये 5 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, पहली तस्वीर देहरादून से, फिर हरिद्वार से दूसरी तस्वीर, तीसरी तस्वीर ऋषिकेश से, चौथी उत्तरकाशी से, और 5वीं तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर विकास नगर से। आप देख सकते हैं किस तरीके से महाशिवरात्रि के दिन हर एक जगह पर यहाँ पर भक्तों का तांता देखने को मिल रहा है। पूजा अर्चना करते भक्त दिख रहे हैं, भगवान शिव के ऊपर सभी वो चीजें अर्पित कर रहे हैं जो कि पूजा अर्चना में, पूजा विधि विधान में चाहिए होता है। फिर चाहे वो बेलपत्र हो, कच्चा दूध हो, बेर हो या फिर फल फूल हो, हर एक चीजों से भगवान की पूजा अर्चना की जा रही है। भक्तों का तांता भी साफ तौर पर देखा जा सकता है। ऋषिकेश की तस्वीरें देखिए आपकी टीवी स्क्रीन पर, साथ ही साथ वहां सुरक्षा व्यवस्था के भी पुख्ता इंतजाम किए जाते हैं। एक लाइन से लगे हुए हैं सभी और अपनी बारी का इंतजार करते हुए पूजा अर्चना के लिए लंबी लंबी कतारें लगी हुई है। और इसी विषय पर तमाम जानकारी के साथ ग्राउंड जीरो से हमारे संवाददाता राजकुमार पाल हमारे साथ हरिद्वार से जुड़ गए हैं। राजकुमार, क्या कुछ स्थिति उस वक्त यहां पर देखी जा रही है, किस तरीके से भक्तों की भीड़ जो है वो मंदिरों के बाहर है? यहाँ पर लगातार भीड़ बढ़ती जा रही है, जैसे जैसे दिन बढ़ता जा रहा है वैसे ही यहाँ पर श्रद्धालु पहुंचना शुरू हो गए हैं और ज्यादा ज्यादा संख्या में यहाँ पर शिवालय में आकर जल चढ़ा रहे हैं। आपको बता दें कि हम इस समय मौजूद है दक्ष प्रजापति महादेव मंदिर में, जहाँ पर हजारों की संख्या में इस समय, मेरे पीछे आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से भी कि किस तरीके से यहाँ पर श्रद्धालु लाइनों में लगे हैं और शिवालय के अंदर जाकर जल चढ़ा रहे हैं और कांवड़ के माध्यम से भी यहाँ पर पहुंच रहे हैं। जी,
और इसी के साथ अगर बात किया जाए राजकुमार की, किस तरह से सुबह से ही ये भीड़ देखी जा रही है, भक्तों का तांता सुबह से ही है या फिर अभी ज्यादा भक्त सामने आ रहे हैं? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि सुबह 4 बजे से लेकर और अब तक भीड़ बढ़ती जा रही है। पहले थोड़ी कम भीड़ थी, जैसे जैसे दिन बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे भीड़ बढ़ती जा रही है। शिवरात्रि की एक महत्वता है कि शिवरात्रि में रात के पहर के चारों पहर के समय पूजा की जाती है, जिसके तहत यहाँ पर हरिद्वार में लगातार भीड़ बढ़ती जा रही है। रात्रि में चारों पहर की पूजा होगी। कहीं ना कहीं आपको बता दें कि श्रद्धालु जो है यहाँ पर रात को रुक के जागरण के रूप में पूजा करते हैं। पहली बार यहाँ पर अब 2 साल के बाद यहाँ पर भीड़ इकट्ठा हुई है। प्रशासन ने पूरी अनुमति दी है और उसके बाद ही यहाँ पर श्रद्धालु पहुंचे हैं और पुलिस प्रशासन ने भी यहाँ पर अब पूरी चाक चौबंद व्यवस्था की हुई है। जी इसी के साथ देखिए राजकुमार, वहाँ पर अगर बात किया जाए कि मंदिर प्रांगण में किस तरह की व्यवस्थाएं हैं, क्या कुछ नियम आवली के तहत पूजा अर्चना की जा रही है? जी बिल्कुल, मंदिर प्रशासन ने पूरी व्यवस्था की हुई है। लाइनों के लिए अलग से अलग अलग लाइनें लगाई गई है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे 4 से 5 लाइनें लगी हुई है और लंबी लंबी कतारें यहां पर देखने को मिल रही है। पुलिस प्रशासन भी मंदिर प्रशासन का पूरा सहयोग कर रहा है। पुलिस की टीमें यहां पर गठित की गई है और मंदिर प्रशासन ने भी पूरी व्यवस्था यहां पर की गई है कि किसी भी श्रद्धालु को जल चढ़ाने में कोई भी परेशानी ना हो। जी और कुछ श्रद्धालु भी है हमारे साथ, उनसे भी बताते हैं। आप यहाँ पहुंचे हैं, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा फील हो रहा है। यहाँ 2 साल के बाद आए हैं अब हम, मतलब वही है कि आज जो मतलब बहुत अच्छा फील हो रहा, 2 साल के बाद जो घर से बाहर निकले इतना लंबा घूमने के लिए, और अब की बार जो ऐसा ही सावन में भी होना चाहिए। जी बिल्कुल, श्रद्धालुओं का साफ तौर पर कहना है कि 2 साल के बाद यहाँ पहुंचे एक उत्साह देखने को मिल रहा है। यहाँ पर अब अपने भगवान शिव के प्रति एक आस्था अलग से देखने को मिल रही है। और कुछ श्रद्धालु और भी है जी, कहाँ से आए हैं आप? हम तो लोकल ही है, हरिद्वार के ही। मनोकामना है, शिवरात्रि है, कैसा माहौल है आज का? यहाँ तो बढ़िया माहौल रहता है, भगवान शिव की हमेशा यहीं जी रहते हैं हम, उनके पवित्र स्थान पे रहते हैं हम। कंकल के अंदर मोहल्ला ही मिली है हमारा, हमारे देखता बड़ी आपने की श्रद्धालुओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। दूर दूर से यहाँ पर, दूर दराज से यहाँ पर पब्लिक आ रही है, जो श्रद्धालु आ रहे हैं और अपने शिव जी के प्रति एक आस्था अलग से देखने को मिल रही है। बिल्कुल साफ तौर पर देखा जा रहा है यहाँ पर राजकुमार किस तरीके से। देखिए 2 साल पूजा अर्चना ना कर पाना कोविड गाइडलाइंस के तहत, इसके बाद जो 2 साल बाद जो भी सुविधाएं अब मिलती नजर आ रही है उससे श्रद्धालु भी काफी खुश नजर आ रहे हैं। इसी के साथ आपका बहुत शुक्रिया यहाँ पर तमाम जानकारी साझा करने के लिए और बताने के लिए किस तरीके से सभी श्रद्धालु जो हैं, वो आपने देखा कितने उत्साहित और कितने खुश नजर आ रहे हैं इस वक्त। और भी खबरें आप तक पहुंचाएंगे लेकिन यहाँ रुकेंगे एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द होंगे हाजिर। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आप सभी का खबर उत्तराखंड के इस बुलेटिन में। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर, जहां जोशीमठ में महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर शिवालयों में सुबह 4 बजे से शिव भक्तों की भीड़ देखने को मिल रही है। जोशीमठ स्थित ज्योतिश्वर महादेव मंदिर में भी शिव भक्तों की भारी भीड़ जुटी हुई है। सुबह से ही भक्त लोग भगवान ज्योतिश्वर महादेव मंदिर में दूध दही मक्खन शहद घी जल और बेलपत्र चढ़ा करके भगवान शिव का जलाभिषेक कर रहे हैं। यहाँ पर भगवान शंकर के 11वें अवतार आदि गुरु शंकराचार्य ने 2500 साल पुराने अमर कल्प वृक्ष के नीचे 5 साल घोर तपस्या की थी। यही वे दिव्य ज्ञान ज्योति की प्राप्ति हुई थी उन्हें। उन्होंने सनातन धर्म की रक्षा के साथ भारत को एकता के सूत्र में बांधने के लिए भारत के 4 कोनों में 4 पीठ की स्थापना की। बद्रीनाथ धाम में नारद कुंड से भगवान बद्रीनाथ की मूर्ति निकाल करके फिर से मंदिर में स्थापित किया गया। यहीं नरशंकर भाष्य समेत दर्जनों धार्मिक ग्रंथों की रचना भी की गई थी। महाशिवरात्रि का विशेष पर्व है और पूरे देशवासियों को महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। यहाँ पर ये भगवान ज्योतिश्वर महादेव का जो है प्राचीन मंदिर है, इसका इतिहास जो है स्कंद पुराण से इसका वर्णन है, कल्प वृक्ष वगैरह का। और सवेरे 4 बजे ही जो है भक्तों के लिए भगवान ज्योतिश्वर महादेव के कपाट जो है खोल दिए गए थे। उस समय भगवान का रुद्राभिषेक हुआ, दूध से दही से घी से शहद से जो है
और उसके बाद तमाम जो स्थानीय भक्त हैं, दूर दूर से आए हुए जो भक्त लोग हैं, वो भगवान ज्योतिश्वर महादेव का जो है यहाँ पर जल अभिषेक कर रहे हैं। और ऐसी मान्यता है कि भगवान ज्योतिश्वर महादेव का जल अभिषेक करने से जो है समस्त मनोकामनाएं जो है पूर्ण होती है। प्रसिद्ध बागनाथ मंदिर में शिवरात्रि के पावन पर्व पर प्रसिद्ध बागनाथ और नीलेश्वर महादेव मंदिर में भगवान शिव की पूजा अर्चना करने वाले भक्तों का तांता लगा रहा। महादेव की पूजा करने से पूर्व शिव भक्तों ने पावन सरयू नदी में स्नान कर बागनाथ मंदिर में स्थित काल भैरव और कालिका माँ समेत विभिन्न देवी देवताओं के मंदिरों में पूजा अर्चना की। भगवान शिव के दर्शन करने के लिए परिसर में घंटों लाइनों में खड़े होने के बाद श्रद्धालुओं ने बाबा बागनाथ जी के दरबार में जलाभिषेक की और दीप प्रज्वलित करके पूजा अर्चना की। भक्तों ने महाशिवरात्रि के पवित्र पर्व पर महाकाल से मंगल कामनाएं भी की। शिवरात्रि का अवसर है, भोले बाबा की शादी है, तो हम भी बाबा के दर्शन के लिए आए हैं यहाँ पर। ये जो है लाइन में लगा रही है, इतनी लंबी लाइन होके भी वो रुके हैं अभी तक, और देख रहे हैं आप भी कि कितनी लंबी लाइन है। सुबह से यहाँ भक्त भजन आए हुए हैं और मंदिर में भोले बाबा के दर्शन के लिए इतनी लंबी लाइन में रुक रुक के फिर भी वो अब मतलब व्रत भी रखा है फिर भी रुके ही है लाइन में, और अच्छा भी लग रहा है उनको, ये भक्ति ही है। इधर उत्तराखंड में राजनीतिक रैली और धरना प्रदर्शन पर 10 मार्च तक रोक रहेगी। इससे स्वाभाविक रूप से 10 मार्च होने वाली विधानसभा चुनाव की मतगणना के लिए जुलूस प्रदर्शन नहीं हो पाएंगे। शासन ने राज्य में लागू कोविड प्रतिबंध को जारी संशोधित SOP में यह प्रावधान किया है। इससे छोड़कर के राज्य में सभी गतिविधियों से रोक हटा ली गई है। राज्य में मंगलवार यानी आज से सभी आंगनवाड़ी केंद्र भी खुलेंगे। कोरोना संक्रमण के मामलों में कमी आने पर शासन ने बीते 16 फरवरी को कोविड प्रतिबंध में ढील दी थी, तब राज्यों में लागू रात्रि कर्फ्यू खत्म कर दिया गया। साथ ही जिम, शॉपिंग मॉल, सिनेमा हॉल, स्पा, सैलून, थिएटर, ऑडिटोरियम, होटल, रेस्टोरेंट, भोजनालय और ढाबे पूर्ण क्षमता के साथ संचालित करने की छूट दे दी गई। सामाजिक, सांस्कृतिक, खेल और मनोरंजक गतिविधियां, विवाह समारोह जैसे आयोजन पर लगे प्रतिबंध हटा दिए गए। सभी विद्यालयों को खोलने की छूट भी दे दी गई। जारी संशोधित SOP में अब स्विमिंग पूल, वाटर पार्क को पूरी क्षमता के साथ खोलने की अनुमति दी गई है। पहले इस पर 28 फरवरी तक रोक थी। इसके अलावा राज्य के सभी कार्यालयों में कर्मचारियों की उपस्थिति पूर्ण क्षमता के साथ सुनिश्चित कर दी गई है। यद्यपि राजनीतिक रैली, धरना प्रदर्शन पर रोक की अवधि को 10 मार्च तक बढ़ा दिया गया है। पूर्व में ये तय किया गया था कि राज्य में सभी आंगनवाड़ी केंद्रों को 1 मार्च से खोले जाएंगे। इसके लिए महिला सशक्तिकरण और बाल विकास विभाग ने भी अलग से SOP जारी कर दी है। वहीं बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर पांडुकेश्वर के पास किए जा रहे खनन की शिकायत पर प्रशासन ने मौके के निरीक्षण के लिए टीम भेज करके रिपोर्ट मांगी। अनियमितता पाए जाने पर यह कार्रवाई की बात कही गई। वहीं आपको बता दें कि अलकनंदा नदी पर खनन पट्टा दिया गया है, जिस पर खनन कारोबारियों ने अलकनंदा नदी पर अस्थायी मार्ग को बना करके अलकनंदा नदी के निर्माण प्रभाव को रोकने का प्रयास किया, जिस पर उप जिलाधिकारी कुमकुम जोशी ने बताया कि खनन क्षेत्र में अनियमितता की शिकायत मिली है, जांच टीम को भेजा गया है, अनियमितता पाए जाने पर कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, मुझे सूचना प्राप्त हुई है कि जो रिवर ट्रेनिंग का स्वीकृत पट्टा है उसमें जो हमारा कुन्नी तोप वाला इलाका है वहां पर कुछ अनियमितताएं पाई गई हैं। मेरे द्वारा अभी तत्काल प्रशासन की टीम को वहां पर भेज दिया गया है, और यदि कोई भी अनियमितता वहां पर पाई जाती है तो उसका जो ठेकेदार है उसका कार्य रुकवाया जाएगा और पुनः इसको संचालन करने की अनुमति तभी दी जाएगी जब सारी प्रक्रियाएं ये पूर्ण कर लेगा और सुरक्षा की दृष्टि से सारी औपचारिकताएं पूर्ण कर लेगा। और इसी के साथ खबर उत्तराखंड के इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए नेटवर्क 10 के साथ। जय हिंद।